लुधियाना के टिब्बा रोड पर पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव व कांच की बोतलें बरसाई। स्थिति को गंभीर होता देखकर मौके पर पहुंची पुलिस के लिए भी इस विवाद को रोकना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद थाना इंचार्ज को अपनी रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। थाना इंचार्ज रणधीर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जो इन आरोपों में कसूरवार पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने दोस्त नाल आया सीगा, उन्हें इन्होंने तो 90,000 रुपया लेना सीगा, ते असी आए इत्थे, ये नशे च पूरे टैट, इन्होंने साड़ी टा मारनी शुरू करती, बोतलां मारनी शुरू करती, असी साइड से हो गए तो बाइक मेरी बाहर खड़ी थी, इन्होंने बाइक नूं अग लगा फूकती। ये चार जने थे जी, एक सरदार आ, तीन मोने आ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आ। तो पूरे महल सामने इट्टा मारे, पूरे महल सामने नजायज काम किए, तो उपर उन्होंने सामने पूरे महल नंगे हो दिखाया। मोटिया कलोनी हैगी है, एट मोटिया कलोनी हैगी है, तो इतने पता लगे सीगा भी काफ़ी पब्लिक हजूम इकट्ठा होया, जिस तरह तुम वेख्या है, तो आके पता लगे भी एक झगड़ा हो गया, एक मोटरसाइकिल साड़ दिता, कुछ एलीगेशन लग रहे हैं होर बंद, सारे जो घर के बंद ने उन्होंने असी कढ़ के लैके चलें थाने, जो भी चेक करा, जो पाए गए फैक्ट्स उस हिसाब न कानूनी कार्रवाई अमल चलिए।